चलो भाई, ये स्पष्ट स्वागत है जो उनसे बोल रहा है कि द्रव ए के 100 ml तथा द्रव बी के 25 ml का परिणामी बिना राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। देखो, अगर वो राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है बच्चों, तो आपके पास हो जाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो आपके पास हो जाएगा नॉन आइडियल अनादर्श विलयन आपके पास हो जाएगा। और नॉन आइडियल सोल्यूशन बच्चों दो केस होते हैं, या तो आपके पास बच्चों हमें वो पॉजिटिव वाला देगा, मतलब धनात्मक विचलन, मतलब पॉजिटिव डेविएशन आपके पास ये दे रहा होगा, या तो आपके पास बच्चों हमारे पास नेगेटिव डेविएशन दे रहा होगा, नकारात्मक विचलन दिखा रहा होगा। अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों, जो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास हुआ करता है बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है इस केस में बच्चों, आपके पास जो ए बी नया आकर्षण बल आपके पास बनता है बच्चों, ये एक्चुअल में वीक बनता है एज कम्पेयर टू जो पुराना ए ए और बी बी रहता है। तो अगर वीक बनेगा बच्चों तो ऑब्वियस बात है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो डेल्टा वी मिक्सिंग आपके पास होता है बच्चों, वो आपके पास पॉजिटिव होता है, मतलब वो बढ़ जाता है। आप इसका मतलब होता है कि जो वी फाइनल रहा होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। नेगेटिव डिवेशन बच्चों, हमारे पास जो आकर्षण बल नया आपके पास बनता है मिश्रण में लिक्विड के बीच में, वो एक्चुअल में ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ए और बी बी। अब अगर ज्यादा स्ट्रांग बनेगा बच्चों तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे बच्चों, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग आपके पास बच्चों यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो नया वॉल्यूम आपके पास होगा बच्चों टोटल, वो कम होगा इससे। तो इन दोनों को ऐड करने पे 125, तो 125 होगा, ये नहीं है बच्चों, 125 से कम या ज्यादा हो सकता है, तो यही आपके पास सही स्टेटमेंट है बच्चों। दोनों केस पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव डिविएशन में 125 से ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव में 125 से कम हो सकता है। 125 से अधिक बराबर बराबर नहीं हो सकता, बराबर कब होता है बच्चों, जब आपके पास आइडियल होता है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। कम होगा, कम होगा लेकिन साथ साथ ज्यादा भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपके पास यहाँ पे बी हो जाएगा। थैंक यू।